चीन ने अब हिमाचल क्षेत्र की और किन्नौर जिला के साथ लगती सीमाओं तक सड़क पहुंचाने का कार्य तेज किया है। किन्नौर के मोरंग घाटी क्षेत्र के आखिरी गांव कुन्नू चारडंग से आगे खेमकुला पास की और मोटर योग्य सड़क बनाने का काम चीन ने युद्ध स्तर पर चलाया है। अब लोगों में संशय है कि 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र नो मेंस लैंड का होता है, कहीं उस क्षेत्र में भी चीन सड़क निर्माण तो नहीं कर रहा है। हाल ही में चारडंग गांव का 9 सदस्यीय दल 16 घोड़े खच्चर और 5 पोर्टर समेत चारडंग गांव से करीब 22 किलोमीटर ऊपर बॉर्डर की ओर गया था। इस दल में कुछ आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए। जब दल ने खेमकुला पास पहुंचकर तिब्बत क्षेत्र की ओर नजर दौड़ाई तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। 2 महीने में चीन ने करीब 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण भारत तिब्बत सीमा की ओर तेजी से किया है। दल ने बताया कि बीते वर्ष अक्टूबर में तिब्बत के भारत की ओर के आखिरी गांव तांगो तक ही सड़क थी, लेकिन इस बार बर्फ हटते ही 2 महीने में तिब्बत के तांगो गांव से भारत सीमा की ओर 20 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कर दिया है। इतना ही नहीं, किन्नौर जिला के सांगला घाटी के छितकुल के पीछे तिब्बत के यमरंग ला की ओर भी सड़क निर्माण जारी होना है। चीन सीमा से सटे गांव चारडंग के ग्रामीण जो सीमा की रेकी कर खेमकुला पास से लौटा है, जिनमें बलदेव नेगी, जेपी नेगी, बिपिन कुमार, भागीराम, नीरज, मोहन आदि ने बताया कि अब केवल 2 किलोमीटर क्षेत्र में चीन की ओर से भारत बॉर्डर तक सड़क निकालना बाकी है। टीम के सदस्य बलदेव नेगी ने बताया कि वर्तमान में सड़क निकालने का कार्य तेजी से चला है। उन्होंने देखा कि 5 पॉक लेन व कुछ बड़े बड़े डंपर सड़क निर्माण में लगे हैं। बलदेव नेगी ने बताया कि वे दल के साथ अपने 16 घोड़े भी लेकर गए थे। उन्होंने चाइना की ओर से सांगला घाटी के छितकुल की ओर तिब्बत क्षेत्र में यमरंगला की ओर भी सड़क निर्माण गतिविधियां हो रही हैं। 6 दिन तक रेकी करने के बाद उन्होंने पाया कि सड़क निर्माण रात होते ही तेजी से आरंभ हो रहा है। उन्होंने पाया कि ड्रोन पहले भारतीय सीमा में रेकी करने छोड़ा जाता है, उसके बाद भारी विस्फोटों की आवाज आ रही थी। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सड़क निर्माण के लिए विस्फोट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, चाइना की ओर से ड्रोन भेजे जाते हैं, इससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, लेकिन भारत क्षेत्र में ना तो सड़क सही हालत में है, दूसरा मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। ऐसे में चाइना की ओर से अगर डोकलाम की तरफ घुसपैठ किया जाता है तो उनके इलाके के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अभी भारत की ओर से चारडंग गांव तक सड़क ठीक नहीं किया गया है, उससे आगे बॉर्डर 22 किलोमीटर पैदल विकट मार्ग है। मोबाइल संपर्क के लिए भी गांव से 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बॉर्डर की ओर भारत की ओर से स्थानीय भेड़ पालकों को जाने नहीं दिया जाता है। अगर भेड़ पालक पूर्व की तरह ऊंची पहाड़ियों पर जाते तो सीमा पार की गतिविधियों की जानकारी समय पर साझा करते। सर, हमारे यहाँ पर अभी तक नेटवर्क भी नहीं है, हम किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो किसे दें, और हमारे भेड़ बकरी वालों को आगे जाने नहीं देता कि बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर पर भेड़ बकरी मत ले जाओ। जब भेड़ बकरी बॉर्डर पर ले जाएंगे तभी तो हमारे को पता चलेगा कि दुश्मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चाइना ने 2 महीने के अंदर ही रोड ला दिया हमारे सिरे पर, चारंग गाँव के आगे सिर्फ 22 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर है खेमकुला पास। अब हमारे को भी जल्दी से जल्दी 22 किलोमीटर रोड हमको निकालना पड़ेगा सर। हमारे गवर्नमेंट को आपने आगे हमारे खबर पहुंचाना सर कि चाइना जो है बहुत तेज़ी के साथ हमारे ऊपर खेमकुला की तरफ बढ़ रहे हैं सर। खेमकुला से अब यमरंगला छितकुल साइड भी उनका रोड जा रहा है सर। और इसलिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे इधर भी रोड बनाने का कष्ट करें और हमारे फौजियों को बॉर्डर के आगे भेजें, चारंग गाँव से आगे, नहीं तो हमारे फौजियों अभी तक भी चारंग गाँव में ही रुका हुआ है। और वहाँ से आगे पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट लगाइए या ग्रिप में लगाना चाहिए सर इस रोड को, ग्रिप के तहत जो है रोड जल्दी से जल्दी बने। मैं और मेरे चारंग गाँव के लोग 9 आदमी हम लोग और मेरे 16 खच्चर लेकर के हम खेमकुला चाइना बॉर्डर के तरफ फौज के साथ रेकी करने गए थे सर। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि खेमकुला के पिछले साइड को चाइना ने रोड ला रखा है 2 महीने के अंदर सर। पिछले अक्टूबर में वहाँ पर रोड नहीं था, अभी 2 महीने के अंदर चाइना ने इतना तेज़ी से हमारे तरफ वो रोड ला दिया सर कि, और क्या नाम, हमारे गाँव इस साइड को तो हमारे सिर्फ चारंग गाँव से आगे रोड ही नहीं निकला सर अभी तक भी, और हमारे यहाँ कोई एटी बेस नहीं हो रहा चार इंडिया के गवर्नमेंट के तरफ से। हमारे को तो बहुत खतरा महसूस हो रहा है सर, क्योंकि हमने
वहाँ पर देखा उनके 5-6 मशीनें लगा हुआ, नीचे डंपर लगा हुआ कि हमको ला के पिछले साइड ये रोड ला दिया सर, 2 महीने के अंदर ये रोड ला दिया, और हमारे इंडिया वाले अभी तक भी हमारे गांव तक ढंग से रोड नहीं निकाला हुआ सर। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे गाँव में भी से आगे भी जल्दी से जल्दी रोड बने और चैना के हमारे इलाके को कब्जा करने से बचाए सर, नहीं तो चैना हमारे अंदर घुस जाएगा और हमारा सारा इलाका को ढोकलाम की तरह कब्जा कर देगा। और ऊपर ड्रोन घुमा रहा सर चैना वाले डेली हमारे ऊपर से। और एसपी किन्नौर साजू राम राणा ने बताया कि जो व्यक्ति तिब्बत सीमा में गया था और तिब्बत क्षेत्र में सड़क निर्माण की बात और अन्य मुद्दे उठाए थे, उन्होंने बताया भारतीय सीमा बिल्कुल सुरक्षित है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी ऐसी गतिविधि भारतीय सीमा भीतर नहीं हो रही है। ये बात भी सामने आई है कि ड्रोन भारतीय सीमा क्षेत्र में आया है। उन्होंने माना कि भारतीय क्षेत्र के तिब्बत सीमा से सटे इस आखिरी गांव तक सड़क ठीक नहीं है और ना ही संचार सेवा है। पहचान हुआ है और ये कुनू चारंग का रहने वाला है। इसमें दूसरी बात ये सामने आई है कि ये जो बलदेव सिंह है ये ITBP का कॉन्ट्रैक्टर है और ये 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक वहाँ ITBP का कुछ नेसेसरी आइटम्स लेकर के, तो ये खेमकुला जगह पे जहाँ ITBP की लास्ट पोस्ट है वहाँ गया था, और साथ में इसने 2 दिन जो स्टे किया हुआ है वो लाल डवार करके एक जगह है। जब ये लोग खेमकुला में पहुंचे तो इनके साथ ITBP की भी एक 16 लोगों की एक टीम थी जिसको PP सिद्दीकी जो सहायक समादेशक हैं वो उसको लीड कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने, क्योंकि खेमकुला जो है बहुत एक हाइट वाली जगह है, ऊंचाई वाला स्थान है, वहां से LAC के पल्ली तरफ की भी जगहें जो है वो काफी विजिबल हैं, तो इन्होंने वहां से जो चाइना का जो तांगो विलेज है दूरबीन के माध्यम से शायद उसका कुछ जायजा लिया होगा, तो वहां पर उस तांगो विलेज में इनको कुछ रोड निर्माण से संबंधित कुछ एक्टिविटीज इन्होंने नोटिस की। और ये उसके बाद फिर वहां से वापिस आ जाते हैं, और जब ये व्यक्ति अपने यहाँ चांगो गांव में आता है तो इसको एक सुरक्षा एजेंसीज के, दूसरी सुरक्षा एजेंसीज के लोग जो हैं इसको पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। तो ये जब उनके पास आता है तो वो अपना पूरा एक विस्तृत ब्यौरा उनके सामने रख देता है कि जब मैं इसमें क्या है खेमकुला में गया था तो मैंने चाइना की तरफ को ये चीजें नोटिस की हैं। जब ये ITBP से वापस जाता है तो एक प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट इसको जो है वो कांटेक्ट कर लेता है कि आपने जितनी जितनी बातें ITBP इनको IB को बताई है वो सारी बातें मेरे से भी शेयर करो। इसने वो सारा चीजें उनसे, उससे जो है प्रेस रिपोर्टर से शेयर कर लिया, और जैसे इसने टेलीफोन पे उनसे बात की, इसका ये कहना है कि 3-4 घंटे के बाद वो प्रेस रिपोर्टर एक गाड़ी लेकर के इसके घर में आ गया और इसने एक वीडियो शूट किया जो कि इसी के मोबाइल से शूट किया। तो मैंने उस पे ये बातें कही हैं कि भाई वहां पर जो LAC से 20-22 किलोमीटर जो तांगो विलेज है उनका चाइना का, वहां पर कुछ चीजें मैंने नोटिस की है, और जब ये लाल द्वार में रात को ठहरे थे तो रात के समय ही आसमान में कुछ चीजें भी नोटिस की थी, तो ऐसा इसका मानना है। और यही चीजें जो है कुछ उस वीडियो में वायरल हुई है, लेकिन हमारी जांच पे ये पाया गया है कि हमारा जो क्षेत्र है LAC से, जो हिंदुस्तान का जो क्षेत्र है, जो किन्नौर जिला से लगता हुआ क्षेत्र है, उस पे किसी भी प्रकार की कोई अनवांटेड एक्टिविटी किसी भी देश या एजेंसी की नहीं नोटिस की गई है। नंबर 1, हमारा एरिया पूरी तरह से सुरक्षित है, जहां हमारी पोस्टें लगी हैं, चाहे वो ITBP की है चाहे वो आर्मी का है, उनकी तरफ से इस तरीके का कोई भी ऐसा इनपुट जो है वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि हमारे एरिया में कोई इस तरीके की बात हुई। इस व्यक्ति ने कुछ बातें कही हैं, लेकिन उसमें एक चीज स्पष्ट हो रही है कि इसका मकसद जो है वो ये लगता है कि इसका कुन्नू चारंग जो एरिया है वो भी रोड से अच्छी सी कनेक्टिविटी हो जाए और वहां पर टेली कम्युनिकेशन की सुविधाएं अच्छी हो जाए, ये भी उसने साथ में अपने उस वीडियो में कुछ मांग रखी है। तो लोगों के लिए यही मैसेज है कि लोगों को किसी प्रकार से कोई पैनिक करने का जरूरत नहीं है, भयभीत होने का जरूरत नहीं है, हमारे वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके का अनऑथराइज मूवमेंट नहीं है। कुन्नू चारंग गांव के पंचायत प्रधान ने माना कि उनके गांव के लोग खेमकुला पास जाकर आए और सीमा पार तेजी से सड़क निर्माण होना बताया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की कार्य प्रवृत्ति को
प्रश्नांकित करते हुए बताया कि भारत सीमा के साथ इतना लंबा सड़क ट्रैक कुछ दिनों में नहीं बना हो सकता है, उसे बनाने में कई महीनों लगे होंगे। इस दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को क्यों खबर नहीं मिली? उन्होंने बताया भारतीय क्षेत्र में उनके गांव चारंग तक भी सड़क ठीक नहीं है, इस तरह दूरभाष भी नहीं है। ये अपने सीमांत गांव जो है हमारे कुंडू चारंग जो किन्नौर का अंतिम गांव है और मैं उनका प्रधान पूरण सिंह बोल रहा हूँ। तो अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ जो ITB के जो पेट्रोलियम पार्टी गई जो खिमुकुल ला की ओर और उनके आने के बाद उन्होंने बताया कि वो जो खिमुकुल्ला के साथ कुछ ही किलोमीटर पर जो है चाइना ने अपना जो है सड़क का निर्माण कर दिया है, तो और काम जो है अभी युद्ध स्तर पर चला हुआ है। तो मेरा मानना है कि जो पिछले जो जितने भी आज तक जो पेट्रोलियम पार्टी गई है उनके मुताबिक तो वहां पर सड़क जो है निर्माण उन्होंने देखा नहीं है। तो मैं ये नहीं मानता कि भाई ये सड़क जो है जल्दी बढ़ाया गया है, इसमें शायद समय 5-6 महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, तो इतना समय तो लगना चाहिए। तो इस बीच में अभी भी जो है हमारे जो अब चाइना से हमारा जो हमारे बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस चला है डोकलाम गलवान की वजह से, तो ये जो पेट्रोलियम पार्टी है ये वीकली या 10 दिन के बाद जाते रही है। तो ये अगर इन्होंने प्रॉपर मॉनिटरिंग की होती तो ये आज जुलाई में बजाय पहले भी देखा जाता होता था। तो मेरा ये आशंका है मुझे कि भाई जो भी पेट्रोलियम पार्टी जाती थी वो हमारे खिमुकुल्ला के ऊपर जो है ये जो तक मॉनिटरिंग इन्होंने प्रॉपर शायद नहीं की है, मेरे से मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूँ। और ऐसा पता लगा है कि भाई जो ये जो है वहां पर ड्रोन जो है घूम रहा था खिमुकुल्ला में, इस टाइप का जो एक जो है मतलब एक छोटी सी खबर भी हमारे जो जनवरी फरवरी में चारंग के जो मंदिर जो ब्राती से पीछे है वहाँ भी एक झलक जो है ड्रोन का जैसा ऐसा दिखा है, ऐसा वो हमारे वहाँ जोमो और जो गांव के कुछ लोगों ने देखा है ऐसा मुझे पता लगा था। तो हमने उस चीज को इतना नजरअंदाज किया। तो मेरा ये है कि ये जो आने वाले समय में हम तो अपने जो हमारे भारत की सुरक्षा की दृष्टि से जो चारंग गांव की जो अपना वो काम है सड़क का निर्माण है जो ठेकेदारों द्वारा नहीं किया जा रहा है वो किया जाना चाहिए, और आगे भी जो है इसके काम जो हमारे बॉर्डर की सेफ्टी के लिए सड़क का निर्माण शीघ्र किया जाए। और जो अभी चारंग का जो पोस्ट है और कुन्नू का कोटा का ये जो